आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। यूपी चुनाव की तारीखों के करीब आते ही सियासत की जुबानी जंग तेज हो गई है। अभी रैलियों पर रोक है, ऐसे में अब डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, साथ ही जुबानी जंग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि कैराना में डोर टू डोर कैंपेन में अमित शाह और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़े हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा आज अखिलेश पर तंज कसते दिखे और कहा कि अखिलेश पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते हैं, अखिलेश ने आतंकियों को छुड़वाने की गुहार की है। संबित पात्रा ने अखिलेश पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। साथ ही इस दौरान संबित पात्रा ने कई अपराधियों को टिकट देने की बात भी कही है और साथ ही बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाते हुए नजर आए। और क्या कुछ कहा है संबित पात्रा ने, आप भी सुनिए। कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। मैं आज तमाम अखबारों में पढ़ रहा था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं देख रहा। क्या कारण है? मैं गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैं क्यों? मैं सब गुंडे बदमाश है, तभी ना घोषित। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार। इस खबर पर मैं सबसे बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से अखिलेश जिन्ना की बात करते नजर आते, तारीफ करते नजर आते हैं, तो जिस तरह से संबित पात्रा का बयान सामने आया है, पाकिस्तान की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं अखिलेश और तंज कसते हुए नजर आए, क्या कहेंगे आप इस पे? चुनाव की गतिविधियां बढ़ रही है, पैसे पैसे सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम बयानबाजी के माध्यम से सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच लगातार जो आरोपों का दौर जारी है, इसी कड़ी में हम लगातार देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी हाल में इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि वो जिन्ना पर उन्होंने बयान दिया था और ये भी कहा था कि पाकिस्तान से नफरत का माहौल नहीं है, कुछ लोग हैं जो एक नफरत की राजनीति बना रहे हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। पर इस पर संबित पात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने बड़ा बड़ा कहा है कि जिस तरह से आज अखिलेश यादव जिन्ना प्रदेश कर रहे हैं, बोल रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है,
और अगर देखा जाए कि सदर याकूब मेनन और कसाब जैसे लोग अगर जिंदा होते उनको फांसी हुई तो निश्चित रूप से या फिर वो उनको मीडिया वाले बनाते और कहीं ना कहीं अपने स्टार प्रचारक में बना के उनको शामिल भी करते। तो ये बड़ा सवाल है और साथ ही साथ क्योंकि इस समय जो चुनाव का माहौल है उस समय लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दौड़ जा रही है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में संदेश जाता है कि कौन क्या कह सकता है और किसकी क्या मनोधारणा है और इस मनोधारणा का इन आरोपों का चुनाव में फर्क जरूर पड़ेगा। गौरव, क्या पाकिस्तान और जिन्ना के नाम से अखिलेश की नैया पार लगेगी या फिर जिस तरह से बीजेपी हमेशा अपराधियों को टिकट देने पे हमलावर रहती है तो क्या इस बार भी अखिलेश को इससे नुकसान हो सकता है? देखिए चुनाव आ गया है, चुनाव में शासन एक गतिविधियां भी लगातार जारी है कि हम किसको टिकट दे रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार कई पार्टियों पर कथाता और याचिका भी दाखिल हुई थी कि पार्टियां हैं खासतौर से जो विपक्ष क्षेत्रीय दल है समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तमाम ऐसी पार्टियां हैं उनको ये कहा भी गया था कि आपको कम से कम संख्या में अपराधी टिकट देना है। बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, संगीन धाराएं जिन पर लागू की गई है उनको टिकट नहीं देना है, पर इसके उलट हमेशा ही कोर्ट आदेश करता है पर राजनीतिक दल जो होते हैं वो सुनवाई नहीं करते हैं और लगातार ऐसे अपराधियों को भी ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं तो कई मामलों में बांट सकती है, कई मामलों में संगीन धारा उन पर लगाई गई है। तो इसलिए बड़ा प्रश्न है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और चुनाव आयोग को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए जिससे कोई अपराधी टिकट ना मिल सके। जी, गौरव पात्रा ने भी इस बात को उठाया है कि अखिलेश ने अभी तक सूची जारी नहीं की है क्योंकि उन्होंने अपराधियों को टिकट दिया है, गुंडे माफियाओं को टिकट दिया है, तो क्या इसमें सच्चाई है या क्या वजह है जो अखिलेश अभी तक सूची जारी नहीं कर रहे? क्या अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी और पार्टी में जुड़ना चाहते हैं? देखिए अभी नायर हसन को जो टिकट दिया है, जो किरान हसन को टिकट दिया है तब भी कहा जा रहा था कि नायर हसन अपराधी है और लगातार इसकी मांग उठ रही थी कि उनका धुंधा जो उम्मीदवारी निरस्त की जाए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जब सूची लाने में कोई ना कोई देरी होती है कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर उठता है, पर खासतौर से अखिलेश यादव भी कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम अपराधी किस्म के लोग हैं जिनको लगातार टिकट दिया जाता है और चूंकि सरकार आ गई है ऐसी उन लोगों के मुकदमे हटा दिए गए हैं, कई बड़े संगीन मुकदमे उनके ऊपर दर्ज रहे हैं, पर अब सरकार आने के बाद उन सारे लोगों को निरपराध घोषित कर दिया गया है। तो अपने उम्मीदवारों के बारे में उन्होंने कहा है कि जो जनता के नेता हम लोग को टिकट देंगे, हालांकि अभी सूची आने में समय है और जब सूची आएगी तो स्पष्ट हो जाएगी कि कितने लोगों ने कितने अपराधियों को टिकट दिया है। गौरव, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति धर्म देखने को मिलता है, विकास के मुद्दे कहीं पीछे देखने को मिलते हैं, अब पाकिस्तान अब जिन्ना का नाम भी जुड़ रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी बदलेगी या इसी तरह चलती रहेगी? देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति क्योंकि हम देखते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है और निश्चित रूप से जिस तरह से जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को पीछे छोड़ा जा रहा है और अलग अलग माध्यमों से केवल यही बात की जाती है कि चुनाव में जीता कैसे जाए। जहां पर राजनीति धर्म की राजनीति भी होती है, अभी हाल में राजनीति चल रही है जिन्ना और पाकिस्तान की राजनीति शुरू हो गई है, तो यहाँ पर मुद्दा विशेष की राजनीति नहीं होती है, यहाँ पर राजनीति केवल यही होती है कि उद्देश्य कैसे पूरा जाए और सत्ता की कुर्सी पर कैसे पूछा जाए और इसके लिए जो सत्ता और विपक्ष लगातार एक दूसरे में हमलावर है और जनता मुद्दे निश्चित रूप से कहने के छूट रहे हैं क्योंकि लगातार पार्टियां सरकार में आती है और विकास की बातें करती है और विकास कितना होता है, जनता के मुद्दे कितने पूरे होते हैं, आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, चुनावी समय नजदीक है और इससे पहले इस तरह की बयानबाजी चल रही है जहां सपा ने बीजेपी पर निशाना साधा था, जिन्ना का मुद्दा उठाया था और अब इसी मुद्दे को बीजेपी की तरफ से भी उठाया गया है, करारा जवाब दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है जिसमें 30 स्टार प्रचारकों के नाम सामने आए हैं। इन स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह स्टार प्रचारक के रूप में सबसे अहम माने जा रहे हैं, वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। साथ ही गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, राज बब्बर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल, प्रमोद तिवारी, अजय लल्लू, आराधना मिश्रा, पीएल पुनिया, आरपीएन सिंह, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, इमरान प्रतापगढ़ी का नाम भी शामिल है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा, आचार्य प्रमोद कृष्णन का नाम भी इसमें शामिल है। तो 30 ऐसे अहम नाम हैं जिनका नाम शामिल किया गया है और ये उन नामों की सूची हम आपको बता रहे हैं जो सबसे अहम है और जिन चेहरों को हर कोई जानता है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभाषु जुड़ चुके हैं। विभाषु, स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है, कांग्रेस ने 30 ऐसे नाम सामने रखे हैं जिनको हर कोई जानता है, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा चुनावों पे?
जी शिखा, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा के बाद अब कांग्रेस के तरफ से भी उसके स्टार प्रचारकों की सूची आ गई है। आपको बताना चाहेंगे कि 30 लोगों को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, वहीं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत जो CPI से कटकर और कांग्रेस में सम्मिलित हुए कन्हैया कुमार समेत जो पूर्व पेट्रोलियम मंत्री आपके RPN सिंह है उनको भी रखा गया है। कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है उनको अपने स्टार प्रचारकों को सूची में रखा गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये स्टार प्रचारक कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में नैया कैसे पार करते हैं और जनाधार को कैसे तैयार करते हैं और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए, काबिज करने के लिए किस तरह की भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर बात करें तो भूपेश बघेल समेत आजार प्रमोद कृष्णन को भी लिया गया है। वहीं कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को भी इस श्रेणी में रखा गया है। जी शिखा, विभांशु, जिस तरह से PM मोदी से लेकर कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरते BJP की तरफ से, तो क्या इस बार सोनिया गांधी भी उत्तर प्रदेश आ सकती है? जी, अगर हम देखें तो कांग्रेस की जो अभी कार्यकारिणी जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, वो भी चुनावी मैदान में आकर और लोगों को जनसभा जो डिजिटल तरीके से या 30 तारीख के बाद चुनाव आयोग अगर रैलियों को मुक्त करता है और कोरोना के नियमों को देखते हुए जो अभी उस पर रोकथाम लगाई गई है और अगर इसको इस नियम को बदला जाता है और 30 तारीख के बाद रैलियों के लिए अनुमति दी जाती है या डिजिटल तरीके से अगर रैलियां होती हैं तो ये स्टार प्रचारक बड़ी भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। जहां भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों को उतारा गया, वहीं कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी उतारा गया है। तो अब डिजिटल रैली, अगर रैली को अनुमति इलेक्शन कमीशन देती है तो इसका अर्थ निकलेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ गई है कांग्रेस की तरफ से भी, प्रियंका गांधी ने ये सूची जारी की है। 30 स्टार प्रचारकों के नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस जिनका चेहरा सभी जानते हैं, कांग्रेस जानी जाती है जिन चेहरों की वजह से, वो चाहे सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी क्यों ना हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर अलीगढ़ से है जहां क्वारसी स्थित जवाहर कॉलोनी में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस के कोल विधानसभा प्रत्याशी विवेक बंसल की अर्थी निकालकर उनका पुतला दहन करके जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने हाथों में पोस्टर लेकर विवेक बंसल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जबरदस्त विरोध किया, जबकि पुलिस कर्मियों के रोकने के बावजूद भी युवाओं ने कांग्रेस प्रत्याशी का पुतला दहन कर दिया। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है। अलीगढ़ में लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी विवेक बंसल का पुतला दहन किया गया है और देख सकते हैं आप किस तरह से विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं लोग, काफी नाराज नजर आ रही है जनता। विवेक बंसल का पुतला दहन किया गया है वाल्मीकि कॉलोनी जवाहर कॉलोनी से। हमारे विवेक बंसल का पुतला मतलब अर्थी निकाल के लाए थे और नितिन चौहान वाल्मीकि को इंग्लास की टिकट बेची है विवेक बंसल ने। इसके विरोध में आज ये अर्थी निकाल कर पुतला दहन किया गया क्वारसी चौराहे पर और इन विवेक बंसल ने पैसे की साठगांठ करके इंग्लास की सीट बेची। ये अपने उच्च पदों का हरियाणा के प्रभारी हैं, CWC के मेंबर हैं और तमाम इन पे ऐसे पद हैं जो ये पार्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अलीगढ़ में ये सत्यानाश कर रहे हैं कांग्रेस का। मैं पार्टी से आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये बर्खास्त करें इनको इन सारे पदों से। महेश्वरी जुड़ चुके अलीगढ़ से। नितेश, जो ये जबरदस्त विरोध देखने को मिला है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों नाराज है जनता? शिखा, मैं आपको बता दूं, दरअसल ये जितना भी विरोध देखने को मिल रहा है कांग्रेस के विरुद्ध, ये वाल्मीकि समाज का है। एक समाज के प्रत्याशी को नितिन, जिसका नाम है नितिन, उनको सीट प्रबल दावेदार थे, उनको सीट ना मिलने की वजह से ये आक्रोश देखने को मिल रहा है और आक्रोश लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि समाज द्वारा लगातार पुतले फूके जा रहे हैं और उनका अर्थी निकालकर उनका विरोध किया जा रहा है।
जी नितेश, जिस तरह से इनका काम देखने को मिला है, क्या काम की वजह से नाराज है जनता? क्या इन्होंने काम नहीं किए हैं या फिर किसी और प्रत्याशी को देखना चाहते थे लोग? मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि समाज का एक आरोप है हमारे अलीगढ़ विधानसभा के प्रबल दावेदार विवेक बंसल जी से, हाई कमान द्वारा इस सीट को कटवाया गया है और इंग्लैंड विधानसभा सीट पर किसी और प्रत्याशी को उनने सीट दिलाने का, हाई कमान से उनके टिकट कटवाकर सीट दिलाने का जिम्मेदारी ली है। मतलब जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे अलीगढ़ से। तो कांग्रेस प्रत्याशी विवेक बंसल का पुतला दहन कर काफी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं लोग और काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर रायबरेली में पुलिस मुस्तैद हो गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान जहां सत्ता पक्ष के एक नेता की गाड़ी रोककर पुलिस ने काली पन्नी निकलवाई, वहीं विपक्ष के एक संभावित उम्मीदवार की गाड़ी भी रोकी गई। एक वाहन में चेकिंग के दौरान शराब की बोतल मिली। हालांकि पूछताछ में सामने आया है कि वाहन स्वामी एक बोतल और कुछ खाली गिलास अपने इस्तेमाल के लिए ले जा रहे थे। तो पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। रायबरेली से ये खबर सामने आई है जहां वाहन की चेकिंग लगातार चल रही है, लोगों की चेकिंग भी की जा रही है और अगर नकदी पाई जाती है या फिर शराब की बोतलें पाई जाती है तो एक्शन लिया जाता है। तो रायबरेली पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, शराब की बोतलें मिलने पर एक्शन भी लिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। चुनाव का माहौल है और ऐसे में रायबरेली की पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। किसी भी व्यक्ति की जांच से छूट नहीं रहा है और लगातार जांच की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान जहां सत्ता पक्ष के एक नेता की गाड़ी रोककर पुलिस ने काली पन्नी भी निकलवाई और विपक्ष के एक संभावित उम्मीदवार की गाड़ी भी रोकी, यानी संभावित नेता हो या फिर किसी बड़े पद का व्यक्ति क्यों ना हो, सभी की जांच की जा रही है, वो पक्ष से हो विपक्ष से हो। और किसी भी कार में वाहन में चेकिंग के दौरान अगर शराब की बोतलें भी मिल रही है तो उससे भी पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि वाहनों से बोतलें भी मिली है शराब की और उनसे जांच भी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओम, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे, पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है? जी हाँ, निश्चित कहीं ना कहीं जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और जो है गाड़ियों की रोक कर चेकिंग करी जा रही है, जिसमें काली फिल्म बड़ी संख्या में उतारी जा रही है और उन गाड़ियों में कुछ कैश है कि नहीं या अवैध शराब की सप्लाई तो कहीं नहीं हो रही या किसी उससे अराजक तत्व या जिला बदर कोई अपराधी तो नहीं घूमता है, इसी को लेकर जो है पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और शहर के हर कोने पर जो है इस तरह के चेकिंग अभियान लगातार जारी है। जी, और हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये चेकिंग पूरे 24 घंटे चलती रहती है या फिर सुबह और शाम में ही देखने को मिलती है? नहीं, ये चेकिंग लमसम जो है 24 घंटे चलती है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद से रात भर के लिए जो है ये चेकिंग का दायरा बढ़ जाता है और ये ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर ये हर जगह पर जो है इस तरह की चेकिंग लगातार जारी है ताकि अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए और जो काली फिल्म या और जो भी व्यवधान डालने वाले लोग हैं चुनाव में उनको कहीं ना कहीं जो है वो रोका जाए। जी ओम, अगर किसी गाड़ी से शराब की बोतल या फिर कैश बरामद होता है तो क्या एक्शन लिया जाता है पुलिस के द्वारा? जी हाँ, निश्चित ही गाड़ी सीज करके उन लोगों के खिलाफ उपयुक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उचित कार्रवाई करी जाती है। जी ओम शंकर, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है रायबरेली से कि कुछ जगह पर चुनाव का बहिष्कार भी किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? जी हाँ, ये महाराजगंज थाना के सुरखियापुर पुरासी का एक गाँव है जहाँ आजादी के बाद से अभी भी जो है गांव से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि जो है केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे बड़ी हैरानी की बात उसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ही क्षेत्रीय विधायक हैं, लेकिन जो है अभी तक ग्रामीणों ने उग कर जो है जिला अधिकारी और विधायक के यहाँ जनप्रतिनिधियों के यहाँ मिलते करते हार गए हैं, उसके बावजूद जो है सड़क का निर्माण नहीं हुआ, इसी से उन लोगों ने रोड पर ही बैनर टांग दिया है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे रायबरेली से। तो रायबरेली में चुनाव के मद्देनजर चेकिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, आगामी चुनाव के मद्देनजर पुलिस सतर्क नजर आ रही है।
चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।